मधवापुर प्रखंड के सहर घाट स्थित धौस नदी के किनारे निषाद समाज के द्वारा कुल देवता कमला दयाल सिंह का विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना किया गया। इस अवसर पर निषाद समाज के हजारों लोग उपस्थित होकर पूजा का साक्षी बना। मान्यता है कि निषाद समाज साल में एक बार सावन पूर्णिमा के समय कमला महारानी का पूजा बड़ी ही धूमधाम से करने पर यश धन आयु और मन्नतें पूरी होती है। कमला पूजा के दौरान एक दिन पहले न्योतन किया जाता है, जहां भक्त पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। कमला पूजा में महारानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दराज के भी लोग शामिल होते हैं। जानकारी देते हुए समाज सेवी बेचन सहनी ने कहा कि साल में एक बार यह पूजा किया जाता है, जिसमें तमाम निषाद समाज के लोग शामिल होते हैं। इस दौरान जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो निश्चित ही पूर्ण होती है। मन्नत पूर्ण होने के बाद लोग प्रसाद, बलि अथवा विभिन्न प्रकार के चीजों को चढ़ाते हैं। इस पूजा में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, नेपाल समेत कई जगहों के लोग शामिल होते हैं। पूजा के दौरान मेले का भी आयोजन होता है, जहां दुकान और विभिन्न प्रकार के नाच तमाशा का भी आयोजन रखा जाता है। कमला पूजा हो रहा है, जैसे कमला और दयाल सिंह का पूजा होता है, शनि समाज का जो देवता है, कुल देवता, जैसे हर इंसान का घर में एक पिता होता है, माता होता है, उस हिसाब से शनि समाज का कुल देवता है कमला, दयाल सिंह, कोल्लावीर, मातर, ये सब देवता है, इनका पूजा होता है, साल भर में एक बार पूजा मनाया जाता है। अच्छा, इससे जो है ना क्या क्या खासियत है, इस पूजा के बाद जो है ना लोगों को क्या खासियत होती है? जैसे और भी, जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, या कोई भी इंसान घर का पूजा करता है, उस हिसाब से अपने घर का पूजा के लिए सारे विधि व्यवस्था करते हैं। और यहाँ पे कमला पूजा धूमधाम से मनाया जाता है, इसमें कोई पाठी चढ़ाता है, कोई बकरा चढ़ाता है, कोई लड्डू मिष्ठान चढ़ाता है, जिसको जो श्रद्धा है वो चढ़ाता है। इनमें श्रद्धालुओं की जी भीड़ है वो कई गांव, मतलब कौन कौन सब श्रद्धालु जो आए हैं यहाँ? भैया थोड़ा दूर रहो ना। कमला पूजा है, कोई देवता है वो अपने देवता की पूजा के अनुसार बड़े दूर दराज से लोग आते हैं। मैं भी सीतामढ़ी पुनौरा धाम से आया हूँ, मुझे बताया गया है यहाँ पे कमला पूजा के नाम पर बड़े दूर दराज से जितने भी यहाँ पे मधुबनी जिला में, दरभंगा जिला में, सीतामढ़ी में, जहाँ तक इसका नॉलेज होगा वहाँ से शनि समाज के लोग आएंगे, अगर भी समाज के लोग आते हैं। कितने दिनों के लिए मतलब ये पूजा जो आज मनाई जा रही है वो क्या घंटा चलेगा? ये पूजा जैसे कल के दिन ब्रह्म स्थान न्योतन होता है, कल रात को न्योतन हो गया, एक बजे तक न्योतन विसर्जन हुआ, फिर आज वहाँ से घर से जिनके घर से पूजा हो रहा है वहाँ से आके यहाँ पे पूजा होगी, मात्र 4 बजे 5 बजे तक पूजा होगा। अच्छा, जी आप अपना परिचय कहाँ से आए हैं? मैं सीतामढ़ी पुनौरा धाम से आया हूँ, मेरा नाम पूछिए तो बंगाली बाबा राधेश्याम जोशी है, यूट्यूब पे भी चैनल है हमारा बंगाली बाबा राधेश्याम जोशी, और मैं सीतामढ़ी पुनौरा धाम जानकी नगर टोला से आया हूँ। वहाँ भी हमारा टीका लगाया जाता है रविवार मंगलवार को, हर बीमारी हर दुख का इलाज फ्री में, सेवा है, कोई पैसा नहीं, यहाँ भी मैं आया हूँ फ्री में, कोई पैसे नहीं। ये मेला जो लगा हुआ है, हाँ, ये कब कब लगा जाता है ये मेला? हर एक श्रावण महीना के अंतर्गत लगाया जाता है, जिसमें मलाह सोसाइटी का जो अपना समाज का गाँव का लोग है वो लोग लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सब अपने अपना मन्नत मांगते हैं। अच्छा, यहाँ जो पंडित जो आए हुए हैं वो बाहर के हैं? ये पद कहाँ के हैं वो कुछ जानकारी है? सर इतना तो है, कुछ अपना गांव समाज का ही है, जिनको अपने गांव का देवी देवताओं का ज्ञान है वो भी है, और एक सीतामढ़ी से भी मंगाए गए हैं कि काफ़ी ज्ञानी मालूम पड़ता है। अच्छा, आप भी इस मेले में और ये पूजा में आए हैं सर कब सुनने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर हम भी आए हैं, है इसी गांव से, हमारे पर दिल्ली में रहते हैं, तो हर एक साल का त्यौहार है समझिए, तो छुट्टी लेके आए हैं मेला के लिए। मेला हुआ निषाद जाति के जो लोग हैं ना, उनके द्वारा यह पूजा साल में एक बार किया जाता है, और यह कमलेश्वरी माता को प्रसन्न करने के लिए यह मेला होता है, क्योंकि मलाह लोगों का मुख्य काम मछली मारने से है, तो कमलेश्वरी माता को प्रसन्न करके रखते हैं ताकि उनका सालों भर व्यवसाय चलता रहे, महिमा रहे उसको, महिमा रहे, यही इसका महत्व है। अच्छा, साल में जो मनाई जाती है वो कब मनाया जाता है? साल में सावन महीना के पूर्णिमा से पहले मनाया जाता है, और इस माने अगल बगल में कई देवी देवता है, जैसे एक भगवती स्थान है साहर में, वहाँ जब पूजा हो जाती है, उस पूजा के हो जाने के बाद यह पूजा कमला पूजा किया जाता है।
आप भी इस मेले मतलब इस देवी देवताओं की पूजा का अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं? हाँ हाँ, मैं भी मतलब इससे मतलब ताल्लुक रखता हूँ, जिसके कारण मैं इसमें देखने के दृष्टिकोण से आया हूँ। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।